नमस्कार मित्रों, क्लास 9 टॉपिक हमारा है अर्थालंकार। इससे पूर्व में हमने शब्दालंकारों के बारे में पढ़ा। शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। इससे पहले अलंकार कैसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के हमने तीन भेद किए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। उसके बाद में अर्थालंकार के हमने पांच भेद किए, जिसमें रूपक अलंकार, इससे पहले उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ये पांच भेद थे। ये पांच भेद 9th क्लास तक हैं। बड़ी बड़ी कक्षाओं में अर्थालंकार के बहुत सारे ढेर सारे भेद होते हैं। तो हमने अनुप्रास अलंकार, जो शब्दालंकार के भेद होते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अर्थालंकार के अंतर्गत भी हमने उपमा अलंकार के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। एक बार पुनः आपके सामने बताना चाहूंगा, उपमा में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है, अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान होती है। उसमें ट्रिक में मैंने बताया था कि आपके उसमें समानवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इव हुआ, सदृश हुआ, सम हुआ, समान हुआ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके अलावा और भी शब्द हैं, उससे हम उपमा अलंकार को पहचानते हैं। जैसे आपका पीपल पात सरिष मंडोला, तो इस प्रकार उपमा अलंकार उपमा अर्थात यहां पीपल पात सरिष मंडोला, पीपल के पत्ते की तरह मन की यहां पीपल के पत्ते से तुलना की गई, वहां तुलना की जाती है एक वस्तु की दूसरे वस्तु से। और रूपक अलंकार यहां जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक अर्थालंकार के अंतर्गत दो अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं, एक है इसमें रूपक और एक है इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार। रूपक अलंकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो रूप दे देना, अर्थात दो वस्तुओं को इतना समान दिखा देना, दोनों की इतनी समानता होती है कि दोनों को एक कर देना, अर्थात वहां उपमा में तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है। जैसे आपका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा के समान है। बट रूपक में क्या होता है कि समान नहीं है, चंद्रमा ही है, आपका मुख तो चंद्रमा ही है। वहां रूपक में इतनी सादृश्य होती है दोनों वस्तुएं, पहली वस्तु में इतनी अतिशयता होती है कि जहां दो वस्तुएं होती हैं उनकी इतनी सामान्यता होती है, दोनों में समानता होती है कि दोनों को एक कर दिया जाता है। एक तो ये, दूसरी बात जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए। दो शब्द होंगे इसके अंतर्गत रूपक अलंकार के अंतर्गत, एक होगा उपमेय और एक होगा उपमान। उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान का अर्थ होता है जिससे दी जाती है। उपमान और उपमेय, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग होगा 95%। इसकी ट्रिक है कि इसमें जो आपका चिन्ह होगा उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। यहां तुलना नहीं की जाएगी, दो वस्तुओं को एक कर दिया जाएगा इस अलंकार के अंतर्गत। अब यहां देखिए, उपमेय के और उपमान के बीच में ये योजक चिन्ह है, डैश कहते हैं। यहां ये आपका योजक चिन्ह है,
यहां उपमेय उपमान के अंतर्गत ये योजक चिन्ह है, यहां उपमेय उपमान के अंतर्गत यह योजक चिन्ह है, और यहां उपमेय उपमा के अंतर्गत ये योजक चिन्ह। सभी में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, उपमेय और उपमा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि चरण कमल बंधु हरिराई, यहां चरणों को कमल बताया गया है, चरण इतने सुंदर है भगवान के, यहां चरण रूपी, यहां कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है, अर्थात चरणों को इतना सुंदर बता दिया गया है, यहां यहां कमली बता दिया गया है, अर्थात यहां कमल के समान नहीं है चरण भगवान के, अर्थात उनको आपका कमल ही बता दिया गया है, तो यहां उपमान, यहां कमल उपमान है, इसका आरोप चरण में कर दिया, अर्थात चरणों को कमल बता दिया गया, और उपमान का उपमेय में जब आरोप होता है वो भी अभेद, भेद रहे अभेद, अर्थात भेद ना हो कोई उपमान और उपमेय में, अर्थात यहां कमलों को, यहां कमल की जो उपाधि है वो चरणों को दी गई, अर्थात कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, हरि भगवान के, कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के चरणों की हम वंदना। नेक्स्ट देखो, यहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है चरण और कमल के बीच में। नेक्स्ट, प्रीति नदी में पावन बोरियो, अर्थात यहां प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, नदी का मतलब नदी, यहां नदी शब्द है ये उपमान है, और प्रीति शब्द है ये उपमेय है, क्योंकि उपमा दी जा रही है इसकी, अर्थात प्रीति में जो आरोप किया जा रहा है वो उपमान नदी का आरोप किया जा रहा है, अर्थात नदी रूपी प्रेम में पावन बोलियो, यहां गोपियां उद्धव से कह रही है कि आपने नदी रूपी प्रेम रूपी जो नदी है उसमें कभी पैर ना डूबा नहीं, तो प्रीति रूपी नदी है। नेक्स्ट, अर्थात यहां प्रीति को, प्रेम को यहां नदी के समान दिखाया गया है, और नदी का आरोप आपका प्रीति में कर दिया गया है, अर्थात प्रेम रूपी जो नदी है, प्रेम रूपी जो नदी है, दोनों के बीच में भोजक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, इस चिन्ह से हम पहचान सकते। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले दू, अर्थात सर्वप्रथम योजक चिन्ह, अगर इनका आपको अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा है, उपमेय और उपमान में फर्क नहीं पता लग रहा है, उपमेय उपमान क्या होता है ये भी नहीं पता लग रहा है, तो केवल आप इस चिन्ह को देखो, इस चिन्ह का मतलब 95% आपका रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले दू, खिलौना का आरोप चंद्र में कर दिया गया है, ये उपमेय है ये उपमान है, और खिलौनों के आरोप चंद्र रूपी खिलौना, अर्थात जो चंद्र है, अर्थात यहां खिलौने को चंद्रमा को खिलौना बताया गया है, यहां जो चंद्रमा है उसको खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना लेना चाहता हूं। मैया से, यशोदा मैया से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अर्थात जो चंद्र रूपी खिलौना है उसको मैं लेना चाहता हूं। यहां दोनों के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में, दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यहां चंद्र उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप किया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहां राम रूपी रतन, अर्थात रतन का राम उपमान, रतन और राम हो गया उपमेय, तो रतन का आरोप आपका राम में कर दिया गया है, उपमान का उपमेय में, या राम उपमेय है और रतन यहां उपमान है, इसका आरोप, अर्थात राम को रतन बताया गया।
नेक्स्ट, शशि मुख पर घूंघट डाले, मुख का आरोप शशि पर कर दिया गया, अर्थात शशि को मुख बताया, घूंघट पर डाले, तो यहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मुख यहां उपमान है और शशि यहां उपमेय है, मुख का आरोप शशि ने कर दिया है। इस कारण से इन सभी उदाहरणों में आपका रूपक अलंकार है। यहां चरणों को कमल बताया गया है, यहां पैन को नदी बताया गया है, यहां चंद्रमा को खिलौना बताया गया है, यहां राम को रतन बताया गया है और यहां चंद्रमा को मुख बताया गया है। अर्थात पहले उदाहरण में कमल का आरोप चरण में कर दिया गया है, नदी का आरोप प्रीति में कर दिया गया है, खिलौना का आरोप चंद्रमा में कर दिया गया है और रतन का आरोप राम में कर दिया गया है और मुख का आरोप शशि में कर दिया गया है। अर्थात दोनों में इतनी अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक ही कर दिया जाए, जिस अलंकार के अंतर्गत उसे रूपक अलंकार कहते हैं और जिस रूपक अलंकार के अंतर्गत उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें उपमान और उपमेय के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा और उपमेय एक शब्द होगा और उपमान एक शब्द होगा, दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इस कारण से इन सभी उदाहरणों में आपका रूपक अलंकार होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की संभावना जताई जाती है यहां, किसमें किसकी, उपमेय में जहां उपमान की संभावना जताई जाए, है नहीं हो सकता है, मानो समझो, यहां एक कर दिया गया दोनों को अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक कर दिया गया, उत्प्रेक्षा में एक नहीं किया जाएगा, माना जाएगा शायद ऐसा, 100% श्योर नहीं है, शंका होगी उत्प्रेक्षा अलंकार का। अर्थात जिस अलंकार के अंतर्गत उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, परिभाषा के बाद ट्रिक जाने, जैसे इसमें योजक चिन्ह आएगा दो शब्दों के बीच में, वो दो शब्द कौन होंगे, उपमेय और उपमान रूपक अलंकार के अंतर्गत, और योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ दोनों के बीच में, और व्याकरण की परिभाषा के तौर पर देखें तो उपमान का उपमेय में आरोप होगा, बट यहां संभावना बताइए शायद ऐसा लग रहा है। उदाहरणों के माध्यम से और समझेंगे। दूसरी ट्रिक, मनु जनु मानो जानो मनु जनु ज्यो जैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। हर एक उदाहरण में ये मानो ये शंका युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इससे इसकी पहचान होती है। 99% इन शब्दों का प्रयोग होगा, मनु हो सकता है, जनु आ सकता है, मानो आ सकता है, जानो आ सकता है, मनो आ सकता है, जनु आ सकता है, ज्यों आ सकता है, जैसे आ सकता है, आदि शब्दों का प्रयोग होगा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण के अंतर्गत। अर्थात देखते हैं, सोहत ओड़े पीत पट श्याम सरोने गात मनु नील मण शैल पर आतप परयो प्रभाव। तो यहां सोहत ओड़े पीत पट श्याम सरोने मनु नील मण शैल या सोहत ओड़े पीत पट श्याम सरोने, यहां ये उपमेय है और नील मण शैल पर आतप परयो प्रभाव या भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र पहने हुए हैं और पीले वस्त्र गात कहते हैं शरीर पर, सलोने कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्याम सलोने सोहत उड़ती पीले कपड़े पहन के इतने सुंदर लग रहे हैं, जैसे मनु आ गया, देख लिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, यह इसकी पहचान, अगर परिभाषा नहीं आ रही है, अर्थ नहीं आ रहा है तो इन शब्दों को लर्न कर लो, आप याद कर लो, मनु जनु मानो जानो मनु जनु ज्यो जैसे ये आ जाए तो आपका 100% उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो आ गया
भगवान श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयुक्त हुआ। नीलमणि पर्वत पर जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में इतने सुशोभित होते हैं हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है स्वर्ण कलर का, सोने जैसे कलर का, तब नीलमणि पर्वत की जो सुंदरता हो जाती है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं मानो लग रहे हैं। हालांकि है 100% श्योर है, लेकिन उदाहरण के माध्यम से हमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाने के लिए यहां संभावना बतानी हुई। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं पीले वस्त्र पहने हुए जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसकी प्राकृतिक दृश्य जिस उस समय जब हो जाता है वह बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे लग रहे हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण उसी नीलमणि पर्वत की तरह सुशोभित हो रहे हैं। तो यहां मनो शब्द आ गया। नेक्स्ट, और दूसरी पहचान मनो, देखो मनु आ गया, हमारा मनो शब्द है मनु आ गया, इससे भी आप पहचान सकते हो ठीक है, आपको अर्थ नहीं आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण का घर, या सिर फट गया उसका इस उपमेय में मानो अरुण रंग का घड़ा इसका इसकी संभावना जताई जा रही है कि किसी का सिर फट गया है, ऐसे लग रहा है कि जैसे लाल रंग से कोई घड़ा भरा हुआ फूट गया, किसी का सिर ऐसे फट गया है कि मानो पता ऐसा लग रहा है, संभावना जताई जा रही है। और देखिए मानो आ गया, मैंने कहा कि उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत मनु जनु मानो जानो मनु जनु जो जैसे आदि शब्दों का प्रयोग होगा, और इसकी सबसे सरल जो इजी पहचान है वो यही है कि इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया। देखो ऊपर वाले उदाहरण में मनु का प्रयोग हुआ है और सेकंड नंबर का उदाहरण है इसमें मानो का आपका प्रयोग हुआ है, इस कारण से यहां भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाए, संभावना शायद ऐसा कहा जाए, अर्थात जो उपमान जिससे उपमा दी जाएगी, उपमान किसे कहते हैं जैसे उपमा दी जाती है, उपमेय की जिसकी दी जाती है, तो उपमेय में उपमान की संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये आपके अर्थालंकार के दो अंतर्गत दो अलंकार और हो गए, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। आप इनको पढ़िए गहराई से, कहीं समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, कोई और तकलीफ है तो आप पूछ सकते हैं, आप इनको अपनी पुस्तिका पर लिखिए, नोट करिए, लर्न करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।